ने उसके क्लॉकवर्क और पॉकेट में उसकी डेल का, दोनों के पास ही टाइम पावर्स है। और मैंने कई बार ऐसा सोचा है कि अगर दोनों की फाइट होती है तो कौन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉगर है और कौन जीतेगा। सो गाइज मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा सोचा है या नहीं, अगर आपने सोचा तो प्लीज़ कमेंट कर दें। एंड गाइज मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इन दोनों की बैटल फाइट पर कंक्लूजन वीडियो बनाया जाए। सो गाइज तभी मैं ये वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम आज जानने वाले हैं कि बैटल यूनिवर्स के क्लॉकवर्क और पोकेमॉन यूनिवर्स की डीलगा के बीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ज़्यादा पावरफुल कौन है। सो गाइज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइज आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज जल्दी से ऑसम से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज मैं डीलगा से शुरू करूँगा क्योंकि वो पोकेमॉन यूनिवर्स से बिलोंग करता है। क्योंकि अगर मैं बैटल यूनिवर्स के क्लॉकवर्क से शुरू करो तो काफ़ी सारे पॉकेट्यूबर्स और पोकेमॉन फैन कहेंगे कि आप तो बैटल्यूबर्स हैं इसलिए बैटल को ही सपोर्ट करेंगे। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके लिए ही निष्पक्ष रहता हूँ। सो गाइस हम शुरू करेंगे डीलगा से। सो गाइस डीलगा सबसे पहले से शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले पोकेमॉन यूनिवर्स में आरसीएस आता है और वो क्रिएशन ट्रियो को बनाता है जिनमें से एक डीलगा है। सो गाइस डीलगा एक डुअल टाइप पोकेमॉन है, उसका टाइप स्टील एंड ड्रैगन है गाइज, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। सो गाइज ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि जनरेशन 4 में हमें देखने को मिला था। सो गाइज डीलगा की पावर्स की बात करें तो डीलगा टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को तेज या स्लो या रोक सकता है। डीलगा डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल भी कर सकता है। सो गाइज डीलगा एक लौता ऐसा एलियन है जिसने रोर ऑफ टाइम सीखा हुआ या रोर ऑफ टाइम को यूज़ करना जानता है। सो गाइज अटैक्स की बात करें तो ये एलिमेंटल अटैक्स भी कर सकता है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके स्टैट्स दिखा दूँ जिससे आपको थोड़ा क्लेरिफाई हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीलगा है। गाइज यहाँ पे इसका स्लैश 70 है, पावर जेम 80 है, ऑरा स्फीयर 80 है और ड्रैगन क्लॉ भी 80 है। और गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पावर्स है, और आयरन टेल तो इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जो कि 100 है, और रोर ऑफ टाइम तो इसका फेवरेट है और ये 150 है। सो गाइज टोटल इसका 730 होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेटिना से भी और पार्की किया से भी। सो गाइज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड गाइज इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइज अब हम दूसरी तरफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसकी वीकनेस की। सो गाइज इसकी वीकनेस है फाइटिंग एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन। सो गाइज फाइटिंग और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन इसकी वीकनेस भी मानी जाती है। सो गाइज हम अब आगे बढ़ेंगे और बैटल यूनिवर्स के एलियन यानी कि क्लॉकवर्क की बात करेंगे। सो गाइज अब बात करते हैं बैटल यूनिवर्स की क्लॉकवर्क की। सो गाइज क्लॉकवर्क की जो स्पीसीज है उसका नाम है क्रोनोसेपियन, उनका प्लैनेट अभी तक अननोन है। और गाइज ये जो क्लॉकवर्क है ये टाइम कंट्रोल के पावर्स में काफ़ी माहिर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बैटल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा नॉलेज टाइम पावर्स की क्लॉकवर्क और प्रोफेसर पैराडॉक्स को ही है। सो गाइज क्लॉकवर्क स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए गाइज जो क्लॉकवर्क है उनका नेचुरली एनवायरनमेंट टाइम को मैनिपुलेट करने से रिलेटेड रहता है। एंड गाइज अगर इसकी पावर्स की बात करें तो गाइज ये क्रोनोनेसिस कर सकते हैं, क्रोनोपैथी कर सकते हैं और क्रोनो एनहांस्ड कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, टाइम रेज को शूट कर सकते हैं और टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं यानी कि पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, और टाइम डिडक्शन भी कर सकते हैं, डायमेंशन जंप भी कर सकते हैं यानी कि डायमेंशन में ट्रैवल भी कर सकते हैं। इनके पास स्पेस सर्वाइवेबिलिटी भी है गाइज, और इनहांस स्ट्रेंथ है और इनहांस ड्यूरेबिलिटी भी है, बट गाइज इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। गाइज ऐसा भी कहा जा सकता है कि टाइम पावर्स के मामले में जो क्रोनोसेपियंस है वो सेलेस्टियल सेपियंस यानी कि एलियन एक्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एलियन एक्स जहाँ रहते हैं वहाँ पे स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्लॉकवर्क जहाँ रहते हैं वहाँ पर स्पेस टाइम एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्लॉकवर्क को टाइम की ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। सो गाइज ये था क्लॉकवर्क के बारे में। सो अब जानते हैं कि डीलगा और क्लॉकवर्क की बैटल फाइट में कौन विनर होगा। सो गाइज मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ कि किसको ज़्यादा फायदा होगा तो यहाँ पे डीलगा को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि गाइज डीलगा के पास ऐसी बॉडी है जिस पर किसी भी चीज़ का इंपैक्ट या असर जल्दी नहीं होता, यानी कि गाइज वो एक डुअल टाइप पोकेमॉन है, उसके पास स्टील और ड्रैगन दोनों की एडवांटेजेस है, जबकि जो क्लॉकवर्क गाइज वो उसे हम स्टील टाइप मान सकते हैं बट दूसरी साइड ड्रैगन टाइप भी है। सो गाइज यहाँ पे जो डीलगा है उसके पास स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, जबकि जो क्लॉकवर्क है उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है अगर वो टाइम पावर्स को यूज़ ना करे तो। टाइम पावर्स को यूज़ करे तो दोनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है। गाइज डीलगा कोई कमज़ोर पोकेमॉन तो है नहीं, वो रोर ऑफ टाइम भी यूज़ कर सकता है, और यहाँ पे जो हमारा क्लॉकवर्क है गाइज वो भी काफ़ी अच्छे अटैक्स कर सकता है, लेकिन अगर एक बार डीलगा ने उसके हेड पर शूट कर दिया तो उसके बाद क्लॉकवर्क अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। सो गाइज ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो डीलगा पर क्लॉकवर्क टाइम रेज का अटैक कर दे जिससे कि डीलगा को काफ़ी नुकसान हो, बट गाइज जो भी हो बैटल काफ़ी ऑसम होगा और यहाँ पे डीलगा के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। सो गाइज मेरे हिसाब से डीलगा के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, डीलगा या फिर क्लॉकवर्क। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।